नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों होप करता हूँ आप सभी फिट होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ऐसे ही मेरे चैनल को देखते रहें कि कैसे एक बार वन टाइम। मैं दोस्तों अक्सर ये बात बताता रहता हूँ, जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, अगर मेरा कोई भी भाई बिगिनर है, अगर वो स्टार्टिंग में ही अगर इस चीज को करना चाह रहा है, तो मैं उसको हमेशा ये गाइड करूंगा कि हमेशा छोटे से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि कई बार एकदम अगर किसी को नॉलेज नहीं है और वो बड़ा फंड अगर मार्केट में लगा देता है तो उसको रिस्क होने का काफी चांसेस होते हैं। इसलिए मैं आज आपको स्पेशली ये बता रहा हूं कि हमेशा अगर मेरा भाई कोई बिगिनर है तो हमेशा स्मॉल इन्वेस्टमेंट से ही स्टार्ट करना है और उस चीज को पूरा सीखना है, नॉलेज लेनी है उस पर। तो इसी चीज पे आज मैं एक ऐसे ही छोटा प्लान लेके आया हूं जो आप बिल्कुल एक अच्छा मंथली एक ही बार इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप पूरे जीवन में एक बार इन्वेस्ट करके उसको छोड़ सकते हैं और फिर इस चीज में देखें कि कैसे ग्रोथ हो रही है, कैसे मार्केट चल रही है, आपको भी सारा पता चले। तो दोस्तों मैं आज अपना SBI पे लेके आया हूं। स्पेशली मैं अपना SBI पिछले लिए कहता हूं दोस्तों कि SBI थोड़ा ट्रस्टवर्दी भी है हमारे लिए और रेटिंग भी इसकी 5 स्टार चली हुई है, जो कि बहुत अच्छी चली हुई है। तो इसी तरीके से अगर हम रेटिंग की भी बात करें तो 5 स्टार रेटिंग है। फंड साइज भी बात करें तो 14,454 करोड़ रुपए का तो फंड साइज ही हुआ है दोस्तों, और मिनिमम SIP भी आप 500 से कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो भी 0.84% है। और अगर हम अपने प्लान की तरफ चलते हैं दोस्तों, अगर सिर्फ एक बार हम 25,000 पे एक बार लगाकर हम इसमें छोड़ देते हैं तो 20% की अगर हम रिटर्न लेके चले 40 इयर्स के लिए। दोस्तों हमेशा मैं आपको अक्सर बताता रहता हूं कि कभी भी अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जितना शॉर्ट टाइम में इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा ही पैसा आपको लगाना पड़ेगा और उस पर रिटर्न भी आपको इतनी अच्छी इस तरीके से नहीं मिल सकती, क्योंकि कंपाउंडिंग भी एक लंबे ड्यूरेशन के लिए काम करती है, छोटे टाइम के लिए हमेशा कंपाउंडिंग भी कभी भी काम नहीं करती। इसलिए मैं 40 इयर्स का लेकर चला हूं। आप अपने अकॉर्डिंग 35 इयर्स का भी लेके चल सकते हैं, 30 इयर्स का भी लेके चल सकते हैं, वो नेक्स्ट मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अगर हम जैसे 25 का लेके चले हैं, 25,000 एक बार इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा 40 इयर्स के बाद 3,60,00,000 रुपए का तो हमारा गेन हो जाएगा, जो हमने इस पर अपना पैसा लगाया है इस पे हमारी ये कमाई, ये हमारा इंटरेस्ट लग के आएगा और जो टोटल अमाउंट मिलेगा वो हमें 3,60,25,000 रुपए के आसपास मिलेगा। जी दोस्तों, एक बार अगर आप ऐसा भी अगर सोच सकते हैं कि कोई बात नहीं मैं 25,000 रुपए सिर्फ एक बार इन्वेस्ट करके छोड़ देता हूं, क्या पता मेरी आगे आने वाली जनरेशन भी ऐसे हो कि उसको ये अमाउंट मिल जाए, तो ये दोस्तों कितना बड़ा डिसीजन है कि आप एक छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करके और आगे की जनरेशन के लिए भी कुछ छोड़ सकते हैं, उनको भी आप उनके भविष्य को सुधार सकते हैं। कुछ इस तरीके से ही आप ऐसे डिसीजन ले सकते हैं कि अमाउंट बिल्कुल छोटा हो लेकिन उसकी इन्वेस्टमेंट की रिटर्न काफी ज्यादा हो। तो इसी तरीके से आज ये 25,000 का मेरा एक प्लान था जो आप भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छे तरीके से ही इसमें इन्वेस्ट करें, कोई इशू नहीं है और बहुत ही अच्छा ये प्लान है। आप भी अपने तरीके से प्लान कर और तभी इसमें इन्वेस्ट करें। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।